लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में नई सरकार की किस्मत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 90 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सैनी, मनोहर लाल समेत कई दिग्गजों ने मतदान में हिस्सा ले लिया है। आपको बताते चले कि इस वक्त जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं, और ये देखिए दुष्यंत चौटाला की तस्वीर आपके सामने है। हरियाणा में मतदान तेज हो चुका है, बूथ पर लंबी कतारें हैं। सावित्री जिंदल, अलग अलग मनु भाकर, इन सब की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुस्कुराते हुए ये चेहरे जो हरियाणा की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। मनोहर लाल बीजेपी के हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो नीरज सिंह सैनी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, ये आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उजाला कला से, उनकी किस्मत का फैसला भी इस वक्त वहां की जनता कर रही है। पिछली बार जेजेपी को 10 सीटें हासिल हुई थी। बेहद दिलचस्प है अपने आप में हरियाणा का ये चुनाव, क्योंकि दिग्गजों ने जिस तरह का दांव खेला है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी किसान पहलवान नौजवानों के मुद्दे पर और संविधान का भी राग लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसके जरिए हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये अलग अलग 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। मनोहर लाल सुबह सुबह 7 बजे ही वोट डालने के लिए पहुंचे। मनु भाकर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कतार में खड़ी होकर हिंदुस्तान को कई बार गौरव प्रदान करने वाली मनु भाकर ने भी सुबह सुबह परिवार के साथ जाकर वोट डाला। नायब सिंह सैनी, आपको बता दें लाडवा सीट से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में है, 2009 में ही ये सीट अस्तित्व में आई, वहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस बार नायब सिंह सैनी का दांव क्या रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बीजेपी की सरकार क्या रिपीट करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर, दुष्यंत चौटाला, आदित्य सुरजेवाला की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और गोपाल कांडा मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनको भी किस तरह से लगातार फॉलो किया जा रहा है, आत्मविश्वास यहां पर दिखाते हुए। गोपाल कांडा एक वक्त पर हरियाणा की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमजोर स्थिति की ओर बढ़ते चले गए। आशुतोष जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे और इन तस्वीरों पर भी मैं चाहूंगी जरा आपकी। मुझे एक बात पे आपत्ति है, जो हमारे सहयोगी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप दबंग जाति का नाम लेते तो यादव का नाम ले लेते हैं, आप जाट का नाम ले लेते हैं। अरे भाई, उनका भी नाम लीजिए ना जो 2000 साल से दबंग नहीं कर रहे थे, उनका नाम तो आप लोग नहीं लेते हैं। ये जो जाति के आधार पे खास जाति को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ जो एक नफरत की बात करते हैं, मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। अन्यथा आप भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, आप जोड़ने की बात नहीं करते। जैसे हरियाणा के अंदर पॉलिटिक्स क्या है, जाट के खिलाफ आप दूसरी जातियों को लामबंद करिए, उनके खिलाफ नफरत पैदा करिए, ये बंद होना चाहिए। और इसकी वजह से हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। काउंटर बनता है, 2000 साल से किसने दबंग किया है भाई, ये एक अजीब तरीका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनका, कमल जी आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें दिखाएंगे, सब मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बार अपने संवाददाता से हम ग्राउंड जीरो की जानकारी ले लें। कमल जी, देखिए मैं इस वक्त अंबाला कैंट की सीट पर हूं, यानी अनिल विज अब थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं, और आपको ये बता दूं समय हो चुका है कि वो भाजा के वोट करें। और आप बताइए कि 7वीं बार ऐसा होगा कि वो अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वो जीतेंगे। उनके सामने है चित्रा सरवारा, और आपको बता दें 44 साल की हैं, और इस बीच में एक कड़ी चुनौती दे रही हैं, क्योंकि एक कांग्रेस की रिबेल भी हैं, उनको टिकट नहीं मिली थी, तो एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, और खास तौर पे इस बार कड़ी टक्कर है। और आपको ये भी बता दें एंटी इनकम्बेंसी है अनिल विज, वो भी है, जो कि बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी तो है ही, लेकिन वो भी सीएम बनना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, और आपको बता दें कि पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हमारे पास अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जींद है जो कि 10% है, और उसके बाद हम बात करें खासतौर पर जो शहरी इलाके हैं वहां पे कम वोट हो रहा है, उसमें पंचकुला है, फरीदाबाद है, जहां पे तकरीबन पलवल है, जहां पे 4.6 और 5.3 इस तरह से हो रहा है। और अगर हम बात करें वहीं पे है कैथल है, जहां पे 10% जा रही है, 9 बजे के हम आपको परसेंटेज बता रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें वहीं पे हिसार है, जहां पे 8.9 है, चरखी दादरी है, जहां पे विनेश फोगाट है, वहां पे 8.8 है। तो वहीं पे अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो अलग अलग अब वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, और जाहिर सी बात है एक कांटे की टक्कर है। खासतौर पर यहाँ पे अंबाला सिटी है, वहां पे असीम गोयल हैं, बालाकैंट हैं, अनिल विज हैं, दोनों के लिए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि
एंटी इम्प्लीगेबिलिटी के अलावा भी अगर हम बात करें, 10 साल हो चुके हैं, चेंज ऑफ लीडरशिप है, चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, मुख्यमंत्री का चेहरा एन वक्त पे बदला गया, लोकसभा चुनाव था, उसके बाद विधानसभा, तो काफी एक ऐसा पीरियड रहा है जहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन यहां पे कोशिश की गई है कि किसानों की नाराजगी है वो दूर की जाए, जो जाट की नाराजगी है वो दूर की जाए, और साथ में जो अग्नि वीर को लेके कुछ कुछ नाराजगी थी उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल फिनिश लाइन के सब कुछ बहुत पास है, नजदीक है, तो यहाँ पे एक चुनौती बन जाती है। और खास तौर पे इस वक्त जो लड़ाई लग रही है वो बाइपोलर लड़ाई है, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, इसी बीच में INLD है और साथ में JJP है, आम आदमी पार्टी है, वो भी चाहेंगे कि उनके पास ऐसे आंकड़े जरूर आ जाए कि कहीं ना कहीं वो किंग मेकर जरूर हो जाए। लेकिन आज एक अग्नि परीक्षा जनता के लिए भी है, क्योंकि आज का किंग मेकर जनता ही है और वही तय करेगी कि क्या होगा। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पे बड़े बड़े लाइन है, कतारें हैं, वो नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कमल जी। संधू अंबाला कैंट से हमें जानकारी देती हुई अनिल विज वहां से चुनावी मैदान में हैं। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल में वो रहे थे खट्टर के, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया था। बीच में उनका बयान भी आया था कि सीनियर होने के नाते मुख्यमंत्री का दावा उनकी ओर से भी ठोका जा रहा था। अंबाला कैंट में किसानों का मुद्दा बड़ा है, लेकिन वहां पर एक कांग्रेस के बागी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अनिल विज को क्या मिलेगा फायदा, या फिर कांग्रेस पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप कर जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अंबाला कैंट भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अशोक सिंघल का रुख कर लेते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके इलाके में मौजूद हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक हुड्डा जी, कब जाएंगे वोट करने के लिए, क्या कोई बातचीत आपके हो पाई है उनसे, उनके परिवार के लोगों से, और रोहतक के अलग अलग हिस्सों में वोटिंग का पैटर्न क्या है, क्या लंबी कतारें हैं, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? अशोक, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 10 बजे के करीब का टाइम उन्होंने दिया था कि 10 बजे निकलेंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि दिल्ली में थे कल रात को, वो सीधा वहां से पहुंचेंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, उनकी पत्नी आशा हुड्डा थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे वोट डालने के लिए। और इसके अलावा लाइनें काफी लंबी लंबी देख रहे हैं, मैं कई पोलिंग बूथ पे गया तो लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए काफी निकल गए थे, और हरियाणा में देखा जाए तो सुबह सुबह लोग निकल जाते हैं वोट डालने के लिए, और रोहतक हो, आसपास के इलाके हो, अच्छे अभी सुबह से लाइनें लगी हुई थी। लेकिन रोहतक की अगर बात की जाए, चित्रा जैसे मैं पहले बताता हूं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, उनके बेटे राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा छोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ा और अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काफी बार यहां से सांसद रहे, उनके पिता भी रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह कि एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि कई ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री पद के दावे हैं, बेशक कि पार्टी ने किसी को घोषित नहीं किया हो, ये कहा गया कि चेहरा जो है बाद में आलाकमान तय करेगा, विधायक तय करेंगे, लेकिन न घोषित होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े चेहरा थे यहाँ पे चुनाव में। सबको ये मान के चल रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ने सुबह सुबह बयान दिया वोट डालने के बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा, पार्टी आलाकमान और विधायक तय करेंगे। बीच में भी कई ऐसी खबरें आई कि कुमारी शैलजा नाराज है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंच पर दोनों का हाथ मिलवा करके संकेत देने की कोशिश की, एक मंच पे लाकर किस पार्टी में सब ठीक है, कोई मतभेद नहीं है और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कोई खींचतान नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि पार्टी ने बेशक घोषित ना किया हो, लेकिन सबको ये लगता है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 साल उन्होंने हरियाणा में सरकार चलाई, और अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में कैंपेन किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामकाज को लेगी पार्टी ने कहा कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कामकाज थे और खट्टर सरकार या नायब सिंह सैनी के दो 10 साल बीजेपी के, उसकी तुलना में हुड्डा की परफॉर्मेंस डेवलपमेंट ज्यादा रहा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कामकाज को लेकर के कांग्रेस चल रही है, और जो मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, चाहे वो पहलवान का मुद्दा है, चाहे जवानों का मुद्दा, अग्निवीर का, ये मुद्दे भी हैं, महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था, ड्रग का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे भी कांग्रेस लेके चल रही है। लेकिन 10 साल हुड्डा वर्सेस बीजेपी के 10 साल, ये भी कांग्रेस आगे लेके चल रही है। यकीनन रोहतक की ही किलोई सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में हैं, अभी तक वोट नहीं डाला है, परिवार के साथ वोट डालने के लिए थोड़े समय के बाद वो पहुंचेंगे। आपको बता दें ये वही पूरा का पूरा इलाका है जहां पर 1982 और 87 में अपना विधानसभा चुनाव हारने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति के फलक पर तब छा गए जब 1991 के चुनाव में उन्होंने उस वक्त के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को मात दे दी थी, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आगे बढ़े फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन संजय जी, मेरा
चरखी दादरी एक बार चलते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सवाल बड़ा यह है कि 10 सालों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज किया और 10 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसके बावजूद अगर सीएम चेहरे को लेकर उसकी ओर से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है तो इसके पीछे की डर की वजह क्या है, मैं जानूंगी आपसे। लेकिन अनमोल बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कतारें क्या बढ़ी है वहां पर, क्या स्थिति है इस वक्त चरखी दादरी में? चित्र, इस समय मैं चरखी दादरी में हूँ, शहरी इलाके में हूँ, और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि सैनी धर्मशाला है। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर बबीता फोगाट, जो 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, पर इस बार देखा गया कि इस बार जो टिकट है सुनील सांगवान, जो एक्स जेलर रहे हैं सुनारिया जेल के, उनको दी गई थी। तो वहीं आप देख सकते हैं इस समय जो लोग हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। सुबह 7 बजे से हम यहाँ हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों का तांता कभी लगता है, कभी लाइन लंबी होती है, कभी लाइन छोटी है, पर धीरे धीरे लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे औरतें हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, और भी जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो हम आके यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डॉक्टर मनीषा सांगवान को उतारा है, वही भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सांगवान को उतारा है। ये जो दादरी की सीट है, सांगवान वर्सेस सांगवान है, और 2019 में भी यहाँ देखा गया था कि सोमवीर सांगवान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। जाटलैंड का इलाका कहा जाता है, चाहे चरखी दादरी हो, चाहे जींद जिला हो, चाहे उचाना, निर्वाना, ये जो सारा साउथ हरियाणा का इलाका है जिसे जाट बेल्ट भी कहा जाता है, यहाँ से हमेशा देखा गया कि इंडियन नेशनल लोकदल जीतता आता था, फिर कांग्रेस का भी यहां पर थोड़ा थोड़ा दबदबा था। पर अब जब से दो बड़े चेहरे, चाहे वो विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लगता है कि जो भारी संख्या में जो जाट मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ जजपा और INLD से भी जो जाटों की नाराजगी है, उसका कहीं ना कहीं चुनावों में असर धरातल पर देखने को मिल सकता है। चित्रा, यकीनन अब असल धरातल पर वो कौन से मुद्दे हैं, अगर आप लोगों से बातचीत कर पाए तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे आगे लूंगी कि बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वहां पर वोटिंग के लिए जा रही है। लेकिन चरखी दादरी का भी अपना एक सुनहरा इतिहास जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले संजय जी यही मेरा सवाल है कि 10 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है, 10 सालों तक हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद वो आत्मविश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं दिखा पाई कि सरकार बनेगी तो यही रहेंगे मुख्यमंत्री? मुझे लगता है कारण बहुत साफ है। कांग्रेस के अंदर में मुख्यमंत्री के पद के को लेकर कई दावेदारियां हैं, और कांग्रेस को शायद लगता होगा कि अगर आपने किसी के नाम को की घोषणा कर दी तो जो दूसरा समूह है, जो दूसरा ग्रुप है, उसमें नाराजगी साफ दिखाई पड़ेगी, और पार्टी के अंदर में जो मतभेद है वो अंतर कलह में बढ़ सकता है। इस कारण से कांग्रेस को लगा, पार्टी को लगा कि अगर इस वक्त हम किसी के चेहरे को ना प्रोजेक्ट करें तो कम से कम सारे दावेदार इस उम्मीद से पार्टी में दावेदारी करेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे कि पार्टी जब चुनाव जीतेगी तो उनका भी शायद नंबर लग सकता है। हाल ही में पिछले 2 सप्ताह अगर पार्टी के अगर आप गतिविधियों को देखें और इन लीडर्स के गतिविधियों को देखें तो लगता है सबकी उम्मीद बनी हुई है, सब ये कह रहे हैं कि मैं भी दावेदार हूँ। इस कारण से पार्टी ने ये तय किया कि वो किसी के चेहरे के सहारे चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी एकजुट होकर चुनाव में जाएगी। कुमारी सैलजा बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं, नाम नहीं लेती, अपनी बहन वो बताती हैं कि मैं उनकी बहन हूं, और यहां पर बड़ा दिलचस्प ये भी है कि चुनाव के दौरान भी और चुनाव से ठीक पहले भी उनकी ओर से दावा ठोक दिया कि कांग्रेस आलाकमान ही फैसला लेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो पीछे हटने के लिए विनोद जी तैयार नहीं है। देखिये, जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होता है तो हमेशा पार्टी के नेता साहब पूछे मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो उनका एक ही जवाब होता है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कि फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। तो ये बड़ा मतलब क्लासिकल टाइप का जवाब है, इसमें कोई वो तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। हुड्डा जी से पूछे वो भी यही कहेंगे कि हाईकमान फैसला करेगा। दूसरी बात यह है कि पार्टियों की रणनीति होती है, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि उसमें क्या होता है जो दावेदार होते हैं उनके समर्थक सब लग जाते हैं शायद हमारा नेता मुख्यमंत्री बन जाए। मध्य प्रदेश में जिस तरह बड़े नेताओं को लड़ाया गया तो कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद पटेल तक सब सोच रहे थे कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो उनके समर्थक लग जाते हैं। तो ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। शैलजा के बयान पर कल मैंने कांग्रेस के एक नेता से बात की जी। मैंने कहा भाई शैलजा जी को आप लोग क्यों नहीं रोकते, ये इस तरह के बयान क्यों दे रही है? तो उन्होंने कहा भाई आप लोग समझते नहीं है। बोले गैर जाट वोट और दलित वोट हमको ऐसे ही तो मिलेगा जब उसके कार्यकर्ताओं के मन में रहेगा कि हमारी नेता मुख्यमंत्री बन सकती है। तो ये सब रणनीति का भी हिस्सा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो बगावत हो रही है। ये स्ट्रेटजी भी होती है पार्टी। बड़ी बातें आप बता रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है, और क्या ये रणनीति कांग्रेस पार्टी के हक में फैसला करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही है, हरियाणा में लगातार लंबी लंबी कतारों के जरिए मतदान वहां पर जारी है।